तो गाइस मैंने जब से पोर्शे में वो सीक्रेट सेटिंग की है तब से इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे अरे मैं तो इन्हें कोई फटीचर समझ रहा था बट ये तो हबीबी निकले। तो गाइस अभी हम लोग हबीबी के कार लेके भाग चुके हैं और हबीबी रोते रोते हमारे पीछे आ रहे हैं अपनी कार वापस लेने के लिए। तो गाइस मुझे बचपन से ही पोर्शे कार बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं पोर्शे कार के बहुत सारे गेम्स भी खेला करता था बट उन गेम्स में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था क्योंकि उन गेम्स में हम अपने कार को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते थे और ना ही उनको 100 से ज्यादा स्पीड पे भगा सकते थे। लेकिन कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में हम अपने पोर्शे को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करेंगे और इसमें एक सीक्रेट गियरबॉक्स की सेटिंग करके इसको 500 से ज्यादा स्पीड पे भगाएंगे। ओके गाइस अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे और हाईवे पे आने से पहले मैं गैराज में गया था अपनी कार को मॉडिफाई करने के लिए बट वहाँ पे मुझे इतने सारे कलर्स और डिजाइन मिले कि मैं उनको देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। दैट्स व्हाई मैंने अपने पोर्शे पे ये नॉर्मल सी मॉडिफिकेशन कर रखी है। अब आप मुझे कमेंट में जाके बताओ कि हमें अपनी पोर्शे पे कौन सा कलर और डिजाइन डालनी चाहिए जिससे अपनी पोर्शे बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। देखते हैं आप में से कौन सबसे अच्छा कलर और डिजाइन बताता है और आप में से जो भी सबसे अच्छा कलर और डिजाइन बताएगा उसका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूंगा। तो जल्दी से जाके कमेंट में बता दो। बाकी मैंने इसमें गियरबॉक्स की सीक्रेट सेटिंग कर रखी है और इस सेटिंग से या तो हमारी पोर्शे 500 की स्पीड क्रॉस कर जाएगी या फिर ये 400 भी नहीं पहुंच पाएगी। तो अभी हम लोग पहले अपनी पोर्शे की स्पीड टेस्ट करते हैं। तो गाइस अब हमने अपनी पोर्शे को भगाना स्टार्ट कर दिया है और गाइस मैंने इसको ऑटो ड्राइव मोड पे लगा रखा है। अब मैंने इसको ऑटो ड्राइव मोड पे क्यों लगाया है इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपको आगे पता लगेगा। फिलहाल गाइस अभी तो आप लोग इसका साउंड सुनो। जो लोग हेडफोन लगा के वीडियो देख रहे हैं ना उनको तो पोर्शे का साउंड सुनने में मजा ही आ गया होगा। और गाइस कल पता है मैं इस गेम में एक लोकल कार चला रहा था और उस कार को लेके जब मैं सिटी में गया था तो बहुत सारे लोग मुझे रेस के लिए चैलेंज कर रहे थे बट मेरे पास एक लोकल कार थी तो मैंने किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन गाइस अब हमारे पास पोर्शे कार है तो कल जिन लोगों ने भी हमें चैलेंज दिया था हम उन सब का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और उनको हराएंगे भी। और ये देखो जैसा कि मैंने आप सभी से अभी कहा था कि मैंने गियरबॉक्स में जो सेटिंग कर रखी है उससे या तो अपनी पोर्शे 500 के पार जाएगी या तो ये 400 भी नहीं जा पाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अपनी कार 373 पे आके अटक चुकी थी बट अब मैंने इसमें ड्रिफ्ट मोड ऑन कर लिया है और ड्रिफ्ट मोड ऑन करने के बाद इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तो मुझे लग रहा है ये 500 की स्पीड इजीली टच कर लेगी। तो मैंने इसमें एक और गियर डाल दिया है और गियर डालने के बाद इसकी स्पीड वरना बहुत तेज हो चुका है। और ये देखो फाइनली हमारे पोर्शे ने 500 की स्पीड को इजीली टच कर लिया है एंड ये अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी ये काफी ज्यादा बढ़े जा रही है। और अपनी पोर्शे की स्पीड और भी ज्यादा जा सकती थी बट यहाँ पे ये रोड ही खत्म हो गया। क्या घटिया रोड है यार, थोड़ा बड़ा रोड बनवाओ ना। मैं जब भी किसी गाड़ी की स्पीड टेस्ट करता हूँ तो रोड ही खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो गियरबॉक्स की सेटिंग की थी अपनी पोर्शे में वो नॉर्मल के मुकाबले ड्रिफ्ट मोड में ज्यादा काम कर रही थी। तो गाइस अभी मैं दूसरी सिटी में जा रहा था कुछ लोगों से रेस करने के लिए बट मुझे यहीं पे कुछ रेसर मिल चुके हैं तो हम लोग इन्हीं रेसर से रेस कर लेते हैं। बट इन रेसर के पास में आते आते अपनी गाड़ी की हालत तो देखो। और मैं इसीलिए अपनी कार को ऑटो ड्राइव मोड पे चला रहा था क्योंकि जब भी मैं उसको नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ ना मतलब मैनुअल पे तो ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, पता नहीं ऐसा क्या लग गया इसमें। फिलहाल यहाँ पे मुझे एक बंदा मिल चुका है और इसके पास पता नहीं कौन सी कार है ये बट मैं इसे रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ बट ये तो रुक ही नहीं रहा भाई, रेस कर ले। हेलो, कल जब मैं सिटी में गया था लोकल कार लेके तब सब चढ़े आ रहे थे मुझसे रेस करने के लिए बट अब देखो भाई कोई रेस करना ही नहीं चाह रहा है मुझसे। ओ भाई साहब, आपके पास तो मुझे इतनी खतरनाक कार लग रही है, आप रेस करोगे क्या? हेलो हेलो, डर लग रहा है क्या? रेस कर ले बे। अरे गाइस ये तो हबीबी निकले, मैं तो इनको फटीचर समझ रहा था बट ये तो हबीबी निकले। हेलो हबीबी, हमको तुम्हारी कार पसंद आती, क्या हम तुम्हारी कार लेके भाग जाती? तो गाइस हम हबीबी की कार लेके भाग जाती और हबीबी अपनी कार लेने के लिए हमारे पीछे पीछे आती लेकिन हम हबीबी को उनकी कार नहीं देती, हम उनकी कार लेके निकल जाती और इनकी कार तो बहुत मस्त होती, ये तो हवाओं से बातें करती। गाइस हबीबी की ये कार तो बहुत ही खतरनाक होती, ये तो हबीबी की तरह हवा से बातें करती भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये क्या उड़ के मारेगी हवा में? ये देखो भैया ये तो हबीबी की तरह हवा में गुलटियां मार रही है। तो गाइस हबीबी का रो रो के बुरा हाल होती तो हम इनको इनकी कार वापस कर देती वरना ये हमारा कुआं का तेल बंद कर देती।
तो गाइस मुझे काफी देर बाद यहाँ पे एक कार मिल चुकी है जो कि मुझे मैकलेरन फरारी नहीं, ये मुझे पता नहीं कौन सी कार है, आप लोग इसका नाम मुझे कमेंट में बताना। तो अभी हमारी इससे रेस स्टार्ट हो चुकी है, मैंने ड्रिफ्ट मोड ऑन कर लिया है, मेरी कार अभी काफी ज्यादा टूट चुकी है तो हमें लग नहीं रहा हम इससे रेस जीत पाएंगे। अरे अरे भाई ये तो बहुत तेज भाग रहा है। तो गाइस वो वाला बंदा तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं कितने आगे निकल गया। और अपनी पोर्शे को देखो, अभी ये 300, 400, 500 भाग रही थी बट अब तो ये 300 भी नहीं जा पा रही है। तो गाइस मैं तो अपनी पोर्शे से पहली ही रेस बहुत बुरी तरीके से हार चुका हूँ यार, इतना बुरा तो मैं आज तक नहीं हारा। गाइस अब मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है क्योंकि मैं इतनी महंगी पोर्शे लेके आया और इतनी बुरी तरीके से रेस हार गया। तो गाइस अब आप लोग मुझे कमेंट में जाके एक ऐसी कार बताओ जिससे मैं सभी रेस जीत सकूं और मेरा बहुत ज्यादा रौला बन जाए सिटी में, जल्दी से जाके बताओ यार, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अब। और गाइस आज की इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।